तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो लड़का जिसे तूली ने समुद्र से बचाया था वो बेहोशी की हालत में ही कुछ बड़बड़ाने लगता है। तूली ये देखकर उस पर गर्म पानी छिड़क देती है। इधर जिंग गैनफादर हंग के घर पर लाइब्रेरी से चुराया हुआ किताब पढ़ रहा था। उसे वहाँ स्पेस इन्फॉर्मेशन के कुछ फॉर्मेशन के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। तभी वहाँ उसका यंगर वर्जन आ जाता है। जिंग का यंगर वर्जन उससे बोलता है, यहाँ जरूर वो फॉर्मेशन छुपा होगा जिसे हमारे पिता ने हेवन के टेम्पल को दिया था। जिंग उस बुक को ध्यान से देखता है। वो सोचता है कि उसके पिता उसके माँ को आइलैंड से दूर भेजना चाहते थे। उसे बचपन की एक मेमोरी याद आती है जहाँ उसकी माँ यांग बहुत बीमार थी और उसके पिता चेन जिंग जिंग को जल्दी गॉड्रियलम में भेजने की बात कर रहे थे। जिंग का यंगर वर्जन जिंग से बोलता है, तो सारे र्यूमर से ही थे कि हमारे फादर ने खुद वो फॉर्मेशन बनाया था। जिंग उसे कहता है, और उस फॉर्मेशन की वजह से 100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और पूरा आइलैंड समुद्र में डूबते डूबते बचा था। जिस पर जिंग का यंगर वर्जन बोलता है, मुझे नहीं लगता कि फादर ने ये सब किया है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई उनके फॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल कर रहा हो। जिस पर जिंग सोच में पड़ जाता है। इधर वो आदमी पूरी तरीके से होश में आ गया था। तूली उसे कुछ खाने के लिए देती है। उस जहाज में से सिर्फ वो आदमी और अंकल बीन ही जिंदा बचे थे। तूली उसे उसका ब्रेसलेट वापस करती है जिसे देखकर वो आदमी और अंकल बीन हैरान हो जाते हैं। अंकल बीन उस लड़के को आसमान में इशारा करते हुए बोलते हैं कि इस वर्ल्ड में दूर सूरज है। तब वो लड़का हैरान होता है और बोलता है कि उन्होंने फेरी टेल आइलैंड को फाइनली ढूंढ लिया, यानी वो लोग बाहर की दुनिया से सेलिंग आइलैंड में आए थे। अंकल बीन उसे शांत होने को बोलकर तूली से उस आइलैंड के बारे में पता करने को बोलता है। वो लड़का तूली से बात करता है और हमें पता चलता है कि उस लड़के का नाम जियाओ जी था जो कि लियांग राइची का यंग मास्टर था। तूली थोड़ा हैरान होती है क्योंकि उसने आइलैंड के अलावा और किसी जगह के बारे में नहीं सुना था। तूली उनसे पूछती है कि वो लोग ऑर्डिनरी ह्यूमंस हैं या और कुछ, जिस पर उन दोनों को भी कुछ समझ नहीं आता। अंकल बीन उससे इस जगह के बारे में पूछते हैं, जिस पर तूली उन्हें इस आइलैंड के बारे में बताने लगती है। इधर जीन और उसका यंगर वर्जन अभी भी उस कल्पिट का पता करने में लगे थे। वो लोग उसके पिता के साथ काम करने वाले लोगों पर इंक्वायरी करते हैं, जहां उन्हें सिर्फ ग्रैंडफादर हंग के बारे में याद आता है जो अक्सर जिंग की मां का इलाज करने आते रहते थे। जिंग को और कुछ लोगों के बारे में याद आता है पर वो उन सब के फेस भूल चुका था। तभी जिंग की नज़र ग्रैंडफादर हंग की किताब के कुछ पेजेस पर पड़ती है जहाँ उन्होंने उस आइलैंड में मिलने वाली अलग अलग पेड़ पौधों के बारे में लिख रखा था। वो उसमें से कुछ क्लू ढूंढने का ट्राई करता है। इधर चैंग फैमिली का यंग मास्टर भी समुद्र के किनारे जाता है, लेकिन गॉच अक्सर वहाँ जाना अवॉइड करते थे क्योंकि समुद्र का पानी उनके लिए जहर जैसा था। फिर वहाँ आया था क्योंकि उसे पता करना था कि तूली ने उस चैलेंज को कम्प्लीट किया था कि नहीं। वो समुद्र की ओर देखता है, तभी वहाँ पर तूली उस फिश को लेकर आती है और ये देखकर भी गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तूली चैलेंज जीत गई थी, इसकी वजह से उसे वो मैजिक मशरूम और जेट मेडल मिल गया था। जब वो उस मशरूम को लेकर लौट रही थी तभी उस पर भी अपने लोगों के साथ मिलकर अटैक कर लेता है। वो तूली से वो जेट मेडल छीनने आया था पर तूली उन्हें चकमा देकर वहाँ से भाग जाती है। भी उसे पकड़ने उसके पीछे भागता है। वो तूली को अपने पावर्स की मदद से पकड़ लेता है। फिर ग्रैंडफादर हंग की इंसल्ट करता है और तूली पर हमला करने जाता है, पर तभी उसका पिता रैंग वहाँ पर आके उसे रोकता है। इधर जिंग मास्टर हंग के घर की तलाशी ले रहा था। रैंग तूली को घर भेज देता है। तूली के जाने के बाद ट्रेन भी से बोलता है, मास्टर हंग के घर के सामने उनके पोती से लड़ाई करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर मास्टर हंग को कुछ भी पता चला तो मास्टर चैंग भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। तूली अपने घर पहुंच जाती है पर हम देखते हैं कि जिंग मास्टर हंग की वॉइस निकाल कर उसे बातें कर रहा था, यानी इतने दिनों से जिंग ही मास्टर हंग के वेश में तूली के साथ था, मतलब मास्टर हंग अब तक मर चुके होंगे। फिर हम देखते हैं कि तूली मास्टर हंग के कमरे में अचानक घुस आती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।